तो भाई तुम मनी मन ऐसा तो नहीं कोस रहे हो कि भाई कहाँ लेके गया ये बंदा? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेक इट इजी व्लॉग्स। आई होप आप सब सही हो गए, स्वस्थ हो गए। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ना पक्षियों की आवाज आ रही है, वाओ, हवा की आवाज भी आ रही है, काफी पीसफुल है। तो ये सेकेंड पार्ट इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इस पार्ट में कुछ समथिंग इंटरेस्टिंग रहने वाला है। मैं और ध्रुव तो आ चुके हैं थोड़ा सा लोकेशन के सर्च पे, तो यहाँ आसपास आपको एक बार हम लोकेशन दिखा देते हैं। ये सेम लोकेशन है जहाँ पे हमने पिछले व्लॉग में दिखाया था आपको जो मैगी खाई थी। अब हम यहाँ पे कुछ नया शूट करना चाहते हैं, तो अब आप इसको एंड तक ज़रूर देखना और देखना क्या शूट होता है। तो ये वो पेड़ है जहाँ पे हमने आग लगाई थी, तो यहीं पे सामने हमने काफ़ी ढूंढा तो हमें यहाँ साइड में जाके एक लोकेशन मिली है। ध्रुव तो यहाँ बैठ गया है, ट्राईपॉड यहाँ लग चुका है ना। यहाँ पे अभी थोड़ी देर में अपनी लवी भी आएगी, डवी तो बैठा हुआ है। लवी डवी की स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी, लव स्टोरी। Yes, और हम कुछ ही देर में जो है इन दोनों की लव स्टोरी शेयर करना चाहते हैं क्योंकि काफी लोग कह रहे थे कहाँ मिले, कैसे मिले, क्या है, तो सस्पेंस इज ओवर, क्लियर कर लेंगे। Yes, तो अभी हम यहाँ बैठे हैं, थोड़ा सा देख रहे हैं कि किस तरह से रहेगा यहाँ पे शूट, आवाज आएगी कि नहीं। तो ये आगे जाके देखते हैं, अंजना और रीना जी तो वहाँ पे ही है अभी, तो इनको भी बुला लेते हैं अगर इनका खाना हो गया हो। हो गया आप लोगों का खाना? खाना हो गया? आ जाओ फिर, आ जाओ आ जाओ। ये भी अच्छी लोकेशन थी वैसे जहाँ पे हम पहले थे, क्या कह रहे हो? मैं कह रही हूँ यहाँ से नीचे जाएंगे ना, लोकेशन भी अच्छा है और व्यू भी अच्छा है। वाह, ये तो और भी अच्छी चीज है, अगर यहाँ से बेस्ट चीज मिलती है तो ऐसा करते थोड़ा सा नीचे को चलते हैं क्योंकि नीचे को फिर कम भी रहेगा। हाँ। और सामान पैक कर लेते हैं। हाँ जी। क्यों? और वहाँ जाके करेंगे, अंजू को वर्क साथ नीचे जाएंगे। हाँ क्योंकि अंजू को चलने में दिक्कत आती है, तो कोशिश करेंगे इसको नंगे पाँव चलना पड़ रहा है, जूते फट चुके हैं। चलो कोई बात नहीं, आराम आराम से जाएंगे। तो भाई वाइंड अप हो गया सारा सामान, सारा कचरा हमने उठा लिया जितना भी लेके आए थे। आप भी अगर बाहर आते हो कोई दिक्कत नहीं है, आप खाओ पियो पर कचरा साथ में ले जाओ। क्यों रीना जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? तो बिल्कुल नहीं फैलाना है पहाड़ों पे, बिल्कुल, और अच्छा भी नहीं लगता है। पर चलो आपने जो खाया वो साथ, मैंने ना अक्षय भाई, हाँ जी, ट्रैक में फील करी। हाँ जी, पूरे रास्ते पर एक भी कचरा नहीं था। हाँ बिल्कुल साफ, धार ट्रैक करते बहुत कचरा होता है चारों तरफ, बट यहाँ पे सीखने वाली चीज है यार, तभी ये एनवायरमेंट बना रहेगा ना नेचर, जब तक हम इसको साफ रखेंगे। क्यों अंजना? एक और बात, हाँ जी, जब भी ट्रैक पे जाते हैं ना तो ट्राई करना चाहिए कम से कम प्लास्टिक और डिस्पोजेबल लेके जाए। ट्रू, हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं था, हम ऑर्गेनिक सारा इनके घर से उठा के लेके आए थे, बस एक डिस्पोजल वो वाले थे कागज वाले, प्लास्टिक वो डिस्पोज नहीं होता है ना। हाँ, तो ये मिट्टी अर्थ के लिए भी हानिकारक है। ट्रू, तो अच्छा मैसेज दिया है रीना जी ने हमें यहाँ पे। तो अब निकलते हैं नीचे को उस लोकेशन पे जो ये कह रहे हैं, वहाँ पे सेकंड हॉल्ट लेंगे, वहाँ पे कुछ डिस्क्लोज करेंगे, तो वी आर जस्ट वेटिंग। चलो आए हम इस रास्ते से थे यहाँ, यहाँ और अब यहाँ जाना, यहाँ से ये कुछ खतरनाक सा रास्ता लग रहा है हमें यहाँ से नीचे को। तो तुम लोग नीचे उतर जाओगे? हाँ भाई, अब तो उतर जाएंगे। चलो फिर चलते हैं यहाँ से नीचे, थोड़ा सा नीचे आके यहाँ पे ना एक घर है, अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक घर है और एक यहाँ पे घर है, और यहाँ से अगर आपको व्यू की बात बताऊँ तो बहुत ही खतरनाक व्यू है यहाँ से, वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल, पूरी वैली दिख रही है और ये साथ में बहती हुई रिवर भी दिख रही है, व्यास रिवर। और क्या कह रहे थे आप? क्या कह रही थी मैं? इस लोकेशन के बारे में, ये लोकेशन की जगह का नाम है छरान। छरान, और हम जहाँ ऊपर गए थे वो क्या था? वो भी इसी का ही पार्ट है, उसका नाम ही छरान ही है। अच्छा, तो ये बहुत अच्छा ट्रैक है, छोटा सा ट्रैक है और आप इजीली कर सकते हो, नेचर के बीच में कुछ खा सकते हो, पिकनिक मना सकते हो। अब हमें किस तरफ को जाना है? हमने जाना है राइट, राइट साइड बस। ओह, सीधा सीधा ही है, घर के पास ही जा रहे हैं जो आगे घर है। बहुत पुराना घर है। ठीक है अंजू, ये बता नीचे क्या है? बजरी है? ये वो है बकरी की टट्टी। ओ, सही बात, मिंगनी, 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 सॉरी, मिंगनी है ये। और ये पुराने घर के पास पहुंच चुके हैं हम, ये बता रहे थे कितना पुराना है, 200 साल पुराना घर है, जैसा हमारे गांव में होता है बिल्कुल वैसा है, लकड़ी का बना हुआ। तो हम ये बोल सकते हैं हिमाचल में जो पुराने घर है मैक्सिमम सेम है। हाँ, ये मधुमक्खी का भी होता है, हमारे गाँव में भी है। और इधर से आप बता रहे थे ये घर किसका है ऊपर वाला? ये एक जर्मन आदमी है, उन्होंने बनाया है यहाँ पे ऊपर जंगल में आके घर, पर यहाँ पे रहते नहीं अब। नहीं, वो थोड़े खून, टाइम रहते गया। खून, खून आ गया। ओह माय गॉड, झाड़ियों से लग गया है, इसको पाँव में, तेरे को हाथ में। मेडिकल केयर प्रोवाइड की जाए।
आप लेके आए कुछ? रैपिड रिस्पांस टीम लगा दो फिर कोई मेडिसिन इनको यहाँ पे। चलो भाई चलो। इस पुराने घर के फ्रंट में आ गए हम लोग, तो जो यहाँ पे बहुत सालों पहले रहते होंगे तो उनको यहाँ से जो व्यू मिलता होगा वो ये व्यू है। तो इसी वजह से ये घर इतने ऊपर है क्योंकि यहाँ पे हवा इतनी अच्छी है और नेचर इतना खूबसूरत है, क्या बताए। ध्रुव ने तो जगह ले ली है और हमारे को लगता है यही रीना जी यही है हमारा वो स्पॉट। हाँ जी। वाह, रीना जी ने डिसाइड किया है ये ऐतिहासिक स्पॉट, तो यहाँ से हम कैप्चर करेंगे सम मेमोरीज, तो ये व्यू रहेगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हम इस तरह यहाँ पे क्यों बैठ गए। एक तो सबसे अच्छी चीज़ ये लोकेशन बहुत अच्छी है, तो मैंने और अंजना ने सोचा कि यहाँ पे बैठे और कुछ आप लोगों के साथ डिस्कस करें। तो डिस्कशन कुछ इस तरह से है, हम चाहते हैं कि अपनी लव स्टोरी शेयर करें कि हम कैसे मिले हैं, क्या है मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, तो सब कुछ आज शेयर किया जाएगा। तो सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं अंजना को बेसिकली मिला हूँ सोशल मीडिया में, सोशल मीडिया का इंस्टाग्राम। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अंजना को रील्स बनाना बहुत पसंद है, तो उस दौरान तेरा अकाउंट ओपन था है ना, तो ओपन था इसका अकाउंट, तो मैं इसकी फ़ोटो को इसकी रील को मैंने बेसिकली लाइक किया क्योंकि मुझे पसंद आया, शी डांस वेरी वेल, तो मैंने लाइक करी। फिर उसके बाद अंजना ने मेरी प्रोफाइल देखी, तो अंजना का भी शायद इंटरेस्ट जागा। कैसे जागा थोड़ा बताइयो। मैंने इसकी मेरी रील्स कुछ लाइक करी थी, मेरा शायद पहाड़ी डांस था, तो और फिर उसके बाद मैंने इसकी प्रोफाइल खोली और मैंने इसका यूट्यूब चैनल देखा, तो मैंने इसका एक ब्लॉग देखा जो कि आंटी के ऊपर इसने बनाया था, मदर्स वाला जिसका ब्लॉग था, तो वो सोच के मतलब मुझे बहुत एक होता है ना यार कि नहीं मुझे मिलना है, और मतलब फिर मैं इनके ब्लॉग्स देखती थी, फिर मुझे लगा यार मुझे ना मिलना है, तो फिर ऐसी ही फिर हमारी बात होती गई। फिर डिसाइड की एक दिन तेरी तबीयत ख़राब हो जाए। हाँ, मेरी तबीयत ख़राब थी। और बेसिकली अंजना क्या करती है वो उससे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अंजना बेसिकली है नर्सिंग स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर। हाँ, अंजना बेसिकली है स्टाफ नर्स, अब स्टाफ नर्स नहीं बोलते, अब बोलते हैं नर्सिंग ऑफिसर। सो इसको अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 years का एक्सपीरियंस है, शी इज़ अ कार्डिक नर्स। तो हुआ ऐसा कि यार मैं बीमार हो गया, तो फिर मेरे को समझ नहीं आया मैं क्या करूं, तो इसका हॉस्पिटल है मोहाली में मैक्स हॉस्पिटल, तो मैं गया वहां पे, इसने मतलब इतनी हेल्प करी मेरी यार, मेरा ट्रीटमेंट इतने अच्छे से करवाया। कुछ चीज़ें तो मेरे को पता ही नहीं थी, नॉलेज में नहीं थी कि यार ये टेस्ट होता है, ये होता है, डॉक्टरों के साथ बढ़िया अच्छे इसका टाई अप है, तो यार उस वजह से हम धीरे धीरे मतलब क्लोज आने लग गए थे। फिर ये होता था कि हम मिलते थे बेसिकली दिन दिन में, फिर उसके बाद मैं इससे मिली, फिर मुझे पता चला कि जब इसकी मॉम का इंसिडेंट हुआ था, इसको मतलब मुझे जो उसको देख के ऑब्जर्व करके लगा कि ही इज़ हैविंग माइल्ड डिप्रेशन, मतलब इसको रात को मतलब ये होता था कि अगर मैं कभी कॉल करूँगी तो उसको नींद नहीं आ रही होती थी, आंटी को बहुत ज़्यादा मिस करता था, बहुत ज़्यादा, तो आई थिंक दैट टाइम इसको एक ज़रूरत थी इमोशनल सपोर्ट की, जो कि उससे मुझसे मिला, क्योंकि मैं जिसके चाहती थी कि बस इसको आंटी की कमी महसूस ना हो, और मतलब जो हुआ इसके लाइफ में, इसने मुझे पूरी स्टोरी बताई, तो वो बहुत बहुत बुरा था क्योंकि वो सहन कर पाना आई थिंक बहुत डिफिकल्ट था यार मेरे लिए। जैसे आपने मेरे पुराने व्लॉग्स भी देखे होंगे, पहले मैं ज़्यादा बोल भी नहीं पाता था, अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाता था, बट आप लोगों का प्यार, फैमिली का सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा मिला, उसके बाद अंजना एक बैकबोन की तरह मेरे साथ रही, तो मतलब काफ़ी अच्छा रहा यार जो भी बोलो इसके साथ अभी तक का सफ़र। फिर मतलब हमें फिर ये नहीं है कि हम लोग ड्रामा कर रहे थे कि अक्षय भैया को पता था, अक्षय भैया को नहीं पता था, अक्षय भैया को जस्ट ये पता था कि मैं सब्सक्राइबर हूँ, मैं बस इतना ही मैंने बताया था, जब अपने घर बुलाया था तो मैंने ध्रुव को यही बोल के बताया था कि तू अक्षय भैया को बोल रही हो कि सब्सक्राइबर ने बुलाया, एटलीस्ट मेरे दी को पता था, मैं अपनी फैमिली को ध्रुव के बारे में बताती रहती थी क्योंकि मेरे फैमिली स्पेशली मॉम ध्रुव को बहुत पसंद करते हैं, इनके व्लॉग्स देखते, अक्षय भैया को बहुत पसंद करते, इनके व्लॉग्स देखते रहते, तो बस वो जो चीजें होती है वो धीरे धीरे हम एक दूसरे से अट्रैक्शन होती रही, फिर वही होता है यार धीरे धीरे बॉन्ड बनता है। हमने ये नहीं देखा कि लुक्स में हम कैसे दिखते हैं, हाँ उस पे बात करना चाहते हैं, लुक्स को देख के नहीं होता है,
हाँ, क्योंकि हम देखते हैं कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा आते हैं कि शी इज़ नॉट डिजर्विंग। यार मुझे पता है यार, मैं इसके साथ 8-9 महीने से इसके साथ हूँ, और उसके बाद मैंने इसलिए बताना चाहा सबको, जैसे कि अपने सबसे पहले तो मैंने अक्षय भाई को बताया, उसके बाद हमारी फैमिली को भी इनफेक्ट पता है कि यार मैं इसको पसंद करता हूँ, एंड वी आर लुकिंग। मैं इतना व्लॉग्स में आ रही हूँ, मैं इतना इसके साथ घूम रही हूँ, तो ऑब्वियस मेरी फैमिली को पता है, एंड मेरी फैमिली बहुत ट्रस्ट करती है दोनों पे, और मैं बहुत ट्रस्ट करती हूँ, एंड आई एम वेरी कम्फर्टेबल। आई डोंट नो फ्यूचर में क्या होगा, बट अभी मैं इसके साथ प्रेजेंट में बहुत खुश हूँ। और यार फ्यूचर भी ऐसा कुछ नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए उस चीज़ का। हम बहुत जल्द, मैंने सोचा है अंजना को मैं अपने फादर से मिलवाऊंगा, और फिर क्योंकि यार ये श्योरिटी होना भी बहुत ज़रूरी है, अगर हम पेरेंट्स से मिलवा दें तो एक बार एटलीस्ट श्योरिटी हो ही जाती है चीज़ों की। बाकी मैं लुक्स पे बात करना चाहता हूँ, जैसे आप बोलते हो ये डिज़र्विंग नहीं है मेरे लिए, यार आई नो यार, शी इज़ डिज़र्विंग फॉर मी यार। मेरे को बताइए, इसने मेरे को कैसे कैसे टाइम पर सपोर्ट किया है, और लुक्स डजेंट मैटर फॉर मी यार एट ऑल, क्योंकि लुक्स का क्या करना है यार, अगर आपके साथ जिसके साथ आपने पूरी लाइफ काटने का सोच रहे हो आप, अगर उसकी लुक्स अच्छी है बट शी इज़ नॉट डिजर्विंग एज अ बोल सकते हो आप पार्टनर, आपको सपोर्ट नहीं करेगी। ये हमारे इंडिया में या फिर ये बहुत लड़कियों को एक ऐसे उस पर देखा जाता है कि यार इस पर ये प्रॉब्लम है, अब बाय बर्थ आई हैव अ स्कार माय आई, तो उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया कि मुझ में ये है। बट यार इसने यार जो भी बोलो हिम्मत दिखाई उस चीज़ के लिए, और इसने ना, मैंने इसको हमेशा समझाया, देख यार लुक्स का डजेंट मैटर, लोग बोलेंगे बोलते रहे यार, एट द एंड हम दोनों को साथ रहना है, हम दोनों को पता है कि यार हम जैसे भी है दिखने में, बेशक मैं थोड़ा मोटा हूँ, इसकी आईज में दिक्कत है, बट दैट डजेंट मैटर यार, दैट डजेंट मैटर फॉर मी एट ऑल। यार किसी के साथ भी हो सकता है यार ये, आई थिंक लोग बोलते हैं कि हो सकता है, ठीक हो सकता है, बट जो दिया है उसमें क्यों शर्माना, आई एम नॉट कम्फर्टेबल विद, मतलब मैं आई एम वेरी कम्फर्टेबल, मैं कैमरा शाय हूँ क्योंकि मुझे कैमरे में भी आदत नहीं होता है यार, होता है, मतलब ये नहीं कि मैं छुपा रहा हूँ, लोग बोलते ये है वो है सो है, वो चीज़ें आई थिंक मैं बताना भी नहीं चाहती हूँ लोगों को कि लोग क्या सोचते हैं। आई थिंक मैं बस यही बोलूँगी कि नोबडी इज़ परफेक्ट। हाँ यार, नो बडी इज़ परफेक्ट यार, लुक्स डजेंट मैटर, मैं तो आपको भी यही कहूँगा यार, लुक्स पे मत जाइए, और बाकी कोई भी बंदा ना पेट से सीख के नहीं आता है, धीरे धीरे अडेप्ट करता है एक इन्वायरमेंट को, कोई भी नई जगह में आप जाते हो, आप जब कमेंट्स करते हो वो कमेंट्स मेरी फैमिली देखते हैं, मेरे मदर देखते हैं, इसकी फैमिली देखती है, ये देखता है, इसको बहुत बुरा लगता है, मेरे मम्मा रोज बोलते हैं बुरा हमें इसलिए लगता है यार, क्योंकि ना यार अंजना को बुरा ना फील होए, क्योंकि यार मैं चाहता हूँ ये इतनी स्ट्रांग बने और एक आइडल बने उन लड़कियों के लिए, जिन लड़कियों के मतलब बाय बर्थ, लड़की हो या लड़का हो कोई भी हो यार, जो बाय बर्थ अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो इट डजेंट इफेक्ट योर लाइफ, ठीक है ना यार, आप खुश रहने चाहिए, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए, आईज में विजन ठीक है दोनों आईज में, एक स्कार की वजह से, बर्थ स्कार जो भगवान ने आई थिंक दिया है, उसकी वजह से आप लोगों को जज करते हो कि आपके लिए डिजर्व नहीं करती है, आप उसके से बेटर मिल जाएगी, आप एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, आप एक सेलिब्रिटी फैमिली से बिलोंग करते हो, ये इसको कुछ भी चीज़ें। चलो यार जो भी है सब कुछ छोड़ते हैं, अब हमारी लव स्टोरी तो आप जान चुकी हो कि हम कैसे मिले हैं, फिर उसके बाद आपको पता ही, आगे तो आप देख ही रहे हो क्या क्या हो रहा है, अब नेक्स्ट स्टेप ये सोचा है कि मैं इसको अपने फादर से मिलवाऊंगा। और गाइस मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप ये मत सोचो कि मुझे कुछ लाइक्स और व्यूज़ के लिए बताया गया है, हम बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, और हम इतने टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, हमने कभी भी, हमने ये स्टेप लिया है कि मैं ये रिवील करें कि मैं गर्लफ्रेंड हूँ इसकी, तो ये कुछ सोच के रिवील किया है, तो हमारी फैमिली को आइडिया है इस बारे में, बट ये है कि एक बार ही हम मिलवाए, उसके बाद आके देखते हैं यार क्या क्या बनता है धीरे धीरे। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे प्यार करो, मैं बस ये चाहती हूँ कि इसकी रिस्पेक्ट के लिए काइंडली मुझे एक्सेप्ट कर लो, बिकॉज जब आप ये बोलते हो ना कि मैं डिजर्विंग करती हूँ, तो आई थिंक आप बोलते हो बट इसने तो डिसीजन ले लिया है ना, वो डिसीजन आप खुद कैसे ले सकते हो, आप लोगों को जज कैसे कर सकते हो व्हेन यू डोंट नो। चलो आज पता चल चुका है।
कोई नहीं अंजना, देखो अब सबको पता चल चुका है, हमारी स्टोरी के बारे में पता चल चुका है। आई होप कि आपको ये हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो और आप इन फ्यूचर भी अंजना को मेरे साथ देखना चाहो। मैं आप इसको एक्सेप्ट करो जैसा आप प्यार देते हो। ऐसा नहीं है, मैंने ये भी देखा है अंजना, कई लोग कमेंट सेक्शन कोई गंदे कमेंट करते हैं तो है। उनके कमेंट्स में जाके कमेंट करके अंजना को सपोर्ट करते हैं यार, मतलब इतना अच्छा लगता है। अच्छा लगा कि वो सपोर्ट मुझे मेरे अपर से आया है। कुछ लोगों ने बोला कि हमारे अपर की लड़की है, प्लीज सपोर्ट करो, प्लीज सपोर्ट। बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगता है। शायद मेरे गाँव से भी कोई मुझे देखता होगा, मेरे घर से मुझे कोई देखता होगा, मेरी फैमिली से मेरे फ्रेंड्स मुझे देखते होंगे जो मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं। मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, सब मेरे भाई है, मेरी बहनें हैं, मेरी मम्मी आए हैं, बड़ी मम्मी आए, मेरी बुई आए, सब मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। ध्रुव को बहुत सपोर्ट करते हैं, अक्षय भैया को बहुत सपोर्ट करते हैं, अंकल बहुत सपोर्ट करते हैं। स्पेशल थैंक्स फॉर अंकल। अंकल लाइक की मतलब जब से मेरी अंकल से बात हुई है तो अंकल से ऐसा नहीं है कि मैंने बात नहीं की है, अंकल मतलब अवेयर है कि मैं हूँ ध्रुव की लाइफ में। तो मैं अंकल से मिलूंगी एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट अंकल। एंड दैट्स इट, दिस इज आवर स्टोरी। अच्छा, होप करते हैं कि आपको अच्छा लगा हो। बाकी आई थैंक्स टू अक्षय भाई ऑल्सो। अक्षय भाई ने यार बहुत हेल्प करी है मेरी। जब मैंने उनको वो चीज़ बताई तो ही वॉज लाइक यार आई एम विद यू, यार ऐसा कुछ नहीं है, तूने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, लुक्स डजंट मैटर यार, लड़की यार इतनी कैपेबल है यार, वर्किंग है यार, ये लोगों की लाइफ सेव करती है। आप सोचो, आप हम तो ना वैसे ही बोल देते कुछ भी, बट शी सेव द लाइफ ऑफ अ पेशेंट यार। इस लड़की के लिए हैट्स ऑफ और सारी लड़कियों के लिए हैट्स ऑफ। बस हम चले, अब काफ़ी हो गया आज के लिए। स्पेशल थैंक्स अक्षय भैया के लिए, क्योंकि अक्षय भैया ने बोला कि तुम आओ आगे बोलो ताकि लोगों को जो भी। अक्षय भाई ने मोटिवेट काफ़ी किया यार इस चीज़ के लिए, मोटिवेट किया। और जब से मनाली ट्रिप में अक्षय भैया बोले जा रहे कि नहीं तू आगे आ, तू बोल, तू कम्फर्टेबल हो, लोगों के कमेंट्स मत पढ़ा कर, पॉजिटिव रहा। बिल्कुल, तो दैट्स इट। और दूसरा, मेरी मैंने सारी सुन ली है बात, और दूसरा ये है कि अंजना कैमरे में देख के बोलना है। कोई बात नहीं, जो भी है हमें बहुत खुशी की बात है कि तुम दो खुश है, हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। और कैमरे में आंखें डाल के बात कर। हाँ। सीधी सी बात है, तू आंखें डाल के बात कर, कैमरे को देख, लोगों से बात कर सीधी, हम भी देखते कैसे नहीं अच्छा लगता है। और ये कोई, मैं तो बहुत खुश हूँ, हमारा ध्रुव भी तो मोटू है, तो ऐसा क्या तेरे में बड़ा बुरा लगता है भाई मोटू पे बोले तो। बट हमारा ध्रुव मोटू है, मन में सोचता नहीं भाई आई एम फिट, और तो वो ही रखता हूं यार। सिंपल यार, एक बात, एक चीज बताओ, जो आपका ये कपड़े है या आपकी फिजिकल अपीयरेंस है, वो तो सिर्फ ये है ना, आप कैसे दिखते हो क्या है, नेचर आपका अलग होता है। इंसान नेचर से जाना जाता है, हर एक इंसान का नेचर अलग होता है, उसमें अच्छी बुरी चीजें होती है, तो जैसा है उसको एक्सेप्ट करना सीखो और उसके साथ खुश रहना सीखो, दैट्स इट। यही मैसेज है हमारा भी। बिल्कुल, छोटी सी लाइफ है, यू नेवर नो कब क्या हो जाए, तो जितनी है अच्छे से जियो। अब अंजू रोना नहीं है यार, हद कर रही है, हो एक बारी कैमरे में आंखें डाल के बोल के स्टे ट्यून गाइस, स्टे ट्यून, इधर देख के बोल। अरे हो जाते हैं, चलो इमोशनल हो गए, हिम्मत दिखाई ये बोलने की अपनी, बहुत बड़ी बात है, वी रिस्पेक्ट इट। और रीना जी भी कुछ बोलना चाहते हैं, मैं रीना जी को लेता हूँ अब। हाँ जी रीना जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, आपने पूरी स्टोरी सुनी। लोगों को मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज अंजू को जज ना करे, वो बहुत सुंदर लड़की है, और किसी को जज करना अच्छी बात नहीं है, और ये किसी को लाइसेंस भी नहीं है। बिल्कुल, तो आपको अच्छी लगी स्टोरी? बहुत ज्यादा अच्छी। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ लोगों से, प्लीज ऐसे वुमन को सपोर्ट करो, ऐसे कुछ भी मत लिखा करो। थैंक यू सो मच रीना जी। तो अब हम यहाँ से जाना चाहेंगे। हाँ जी, ओहो यहाँ पे हमें एक लिजर्ड दिख रही है, ये कितना बड़ा है, वाह। कहाँ जाना चाहते हो? डर रहा है अब, चलो कोई नहीं, जाने देते इसे, कोई बात नहीं बेटू, जा ओ माय बेटू, कोई नहीं। तो ओहो अंजू तो इमोशनल हो चुकी है, कोई बात नहीं, तेरे को आज के बाद पता है कितना अच्छा लगेगा, मेरे से लिख के ले ले, एक दो तीन सपोर्टर तो यही है। हाँ, तेरे को आज के बाद इतना अच्छा लगेगा ना, देखियो कन्फेस करना, बोलना, तेरे को पूरी लाइफ में जो तूने नहीं किया ना आज किया, तेरे को बहुत अच्छा लगेगा। कोई बात नहीं, थोड़ा इमोशनल हो गया, तो अब हम वापिस जाएंगे यहाँ से। तो अक्षय भाई तो हमारे ध्यान मुद्रा में बैठ चुके हैं, तो ही इज़ डूइंग मेडिटेशन इन दिस ब्यूटीफुल व्यू, वाओ। तो आपको मैं व्यू भी दिखाता हूँ एक बार ढंग से, वाओ व्हाट अ अमेजिंग व्यू। अरे
रैप अप हो चुका है इस जगह से, काफी मजा आया और काफी अच्छा लगा। अंजू से पूछते हैं, अंजना कैसा फील हो रहा है? गुड। अंजना थोड़ी सी मायूस हो गई, कोई बात नहीं, नीचे जाते जाते इसको इसका दिमाग जो माइंड सेट जो चेंज हो जाएगा। हाँ अभी तो भाई यहाँ पे अब हवा चल रही है बहुत सही, पर हम लोग लेट हो रहे हैं तो चलते हैं अभी यहाँ से नहीं। अंजना में अचानक से जो है ना इतनी एनर्जी आ गई, सबसे आगे चली है, अभी तक सबसे पीछे थी। क्यों ध्रुव? बिल्कुल खींच के लाना पड़ रहा था, अब चल पड़ी सबसे आगे, हमारी गाइड बनी है। हाँ चलो चलो इसके पीछे ही चलते हैं अब। मान गए यार, रीना जी को पता है कहाँ पे हॉल्ट लेना है, तो ये पहला हॉल्ट है हमारा उतराई में उतरने के बाद। यहाँ से तो थोड़ा सा ही है, यहाँ पे बैठते थोड़ी देर, ठीक है? थक गए। हाँ सब लोग इतने शांत चले हुए हैं, इससे पता लगता है कि सब बहुत ज़्यादा थक गए हैं, खास करके अंजू। इनको तो खैर आदत होगी रीना जी को, पर अंजू जो है शुरू से ही लीड कर रही है और इसको रास्ता भी शायद याद हो गया है। सॉरी कैमरा ऊपर हो गया था थोड़ा, खुद ही चले जा रही है, इट्स गुड। मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं भी बहुत थक गया हूँ। लो जी पहुँच चुके हैं वापस, यहाँ से मुझे दिखना शुरू हो चुका है जहाँ हमें जाना है, और ये लोग काफ़ी आगे चले गए, काफ़ी मज़ा आया। वापस पहुँच चुके हैं, यहाँ के पहाड़ देखिए कितने सीधे और खड़े होते हैं और ऐसा लगता है बंजर पहाड़ है, पर कहीं ना कहीं ग्रीनरी भी है इसमें। अंजना और ध्रुव आगे चले गए हैं, रीना जी भी आगे चले गए, मैं थोड़ा पीछे रह गया था। तो ये लोग पक्का मुझे ना ऐसे मन में ऐसे कोस रहे होंगे, कहाँ लेके आगे, किसके साथ आगे, इतना चला रहे हैं, ये कर रहे हैं। बट बर्थडे जब आ रहा है, एक साल हो जाता है आपको और आप बड़े हो जाते हैं, तो कुछ चीज़ें ज़िंदगी में सीखना बहुत ज़रूरी है और आपको इस तरह के ट्रैक्स बहुत कुछ सिखाता है, तो हमें इस तरह से चीज़ें करनी चाहिए। आपको पता चलता है आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, कैपेसिटी कितनी है, क्या कर सकते हो, आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो बार बार तो आएगा नहीं ऐसा टाइम, तो जब मिल जाए तो आपको ये सब करना चाहिए। तो मैं इन दोनों से पूछूंगा भी नीचे जाके कि भाई कैसा लगा, आई होप अच्छा ही लगा होगा, लेट्स सी। तो भाई तुम मन ही मन ऐसा तो नहीं कोस रहे हो कि भाई कहाँ लेके गया ये बंदा? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस वाज गुड, काफी ज्यादा मजा आया, थोड़ी बहुत चोटें भी लगी, नीचे गिर गया था मैं दोबारा। हाँ ध्रुव गिर गया था एक दो जगह, पर चलो अच्छा था। अंजू आपको कैसा लगा? अंजू का थोड़ा सा मूड डाउन है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं सोच रहा हूँ ध्रुव इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते, काफी टायर्ड है, मैं तो खड में ना पानी में जो है ना पांव डाल के बैठना चाहता हूँ कुछ टाइम। बिल्कुल। तो यार बहुत ज़्यादा थक गए, चेहरों से पता चल रहा होगा मुरझा गए हैं, तो सोच रहे कि थोड़ी देर ये ठंडे पानी में पांव डालेंगे, अपने आप को रिफ्रेश करेंगे और कल के लिए एनर्जी बनाएंगे। तो फिर कल का ब्लॉग तो और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ऐसी जगह लेके जा रहे हैं अक्षय भाई, दो जगह पे मिलो जाने का, इतना मन था मनाली में आने के बाद। तो बहुत कुछ है आगे, बर्थडे भी आ रहा है, तो इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और देखते रहे टेक इट इजी ब्लॉग, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट ब्लॉग।